गाइज आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ऐसे इंसान से जो स्क्वाट्स लगा रहे थे, इसे टीनेजर स्क्वाट्स लगा रहे थे और उनको प्रॉब्लम हो गई अपने टेस्टिकल में और उसी कारणवश उनको एक टेस्टिकल लूज करना पड़ा। तो बट मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचें कि स्क्वाट्स लगाना गलत है या कुछ है। गाइज जब कुछ होना होता है तो वो हो ही जाता है, उसका कोई रोक नहीं सकता। जैसे बोलते ना, अगर ऊपर वाले ने कुछ डिसाइड किया है तो उसको आप रोक नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि स्क्वाट्स लगाने से ऐसा हो सकता है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। बट मेन चीज क्या है, आई रिस्पेक्ट दिस गाय बिकॉज उन्होंने बिना शर्म के, बिना किसी चीज के अपनी स्टोरी सामने रखी हम सबके, ताकि हम सब कुछ सीख सके और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हमें अपनी स्टोरी से, सो वो जानेंगे उसको। सो देखते रहिए वीडियो, वी विल बी बैक। Hey guys, welcome back. आप देख रहे हैं फिटमसल टीवी, मेरा नाम है गौरव। आज मैं मिलूंगा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से। He is online now, I am waiting for us. So आइए उनसे बात करते हैं। Hi अमन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। अमन थोड़ा सा अपने बारे में बताओ भाई कि क्या हुआ आपको, जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ आपको? सर ये 3 साल पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब मैं मतलब जिम जा रहा था, जिम लगा के मैंने लेग्स लगाई थी, तो उसमें सर मैंने स्क्वाट्स शायद गलत लग गई, शायद आई एम नॉट श्योर। तो उसकी वजह से मुझे ना अगले दिन पेन शुरू हो गई टेस्टिकल्स में। तो मैंने मतलब पहले इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मतलब आपको पता ही ना कि नहीं देते इतना ध्यान। तो उसके बाद जब पेन ज़्यादा स्टार्ट होगी तो फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, तो हम नियर मतलब हॉस्पिटल था वहाँ पर चले गए। तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने मतलब कह दिया कि ना मैं पेन किलर देकर उन्होंने ठीक कर दिया। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे मतलब फिर से पेन होनी शुरू होगी, फिर हमने डॉक्टर को चेक कराया, फिर उसने कहा कि आपका टेस्टिकल मतलब जो कहते हैं ट्विस्ट हो गया है। उसकी वजह से सर फिर मतलब एकदम से सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर ने ऐसा आपको बोला कि गलत स्क्वाट मारने की वजह से आपका टेस्टिकल ट्विस्ट हो गया? हाँ जी सर, उन्होंने दो रीजन पाए कि या तो जिम में कुछ गलत हो गया, जैसे आगे पीछे हो जाते हैं ना, अपनी बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रहता, या फिर आपका मतलब जो कहते हैं ना कि बर्थ से ही मतलब कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अमन मैं लोगों को बता दूं क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस समय क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनके टेस्टिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं। मुझे ज़्यादा साइंस तो नहीं पता, जो डॉक्टर्स देख रहे होंगे ये वीडियो वो ज़्यादा गाइड कर सकेंगे, और जितना मुझे पता है कि बॉडी के अंदर होते हैं। जस्ट जब बर्थ के समय जब बेबी पैदा होता है, जब वो बाहर आता है माँ के पेट से, उस समय जस्ट उसके टेस्टिकल्स बाहर स्लाइड होते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे जैसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में दे सम पीपल बिकम ट्रांसजेंडर, क्योंकि उनके टेस्टिकल्स बाहर नहीं आ पाते या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सो दिस इज वन रीज़न कि उस टाइम पे कुछ कुछ लोगों को हो जाता है। हाँ जी। बट आपको जैसे आपको क्या लगता था उस दिन के पहले, आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी टेस्टिकल्स में, कभी पेन हुआ था? नहीं सर, उसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब एकदम से जब मैंने स्क्वाट्स लगाने के बाद ही मुझे ऐसे लगा कि मतलब वहीं पर गलती हुई है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। फिर ये सर उसके बाद मतलब सर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद थोड़े दिनों बाद मतलब ठीक हो गया सब कुछ, मैंने जिम ज्वाइन कर दिया, सब कुछ ठीक जाने लगा। पर मुझे सर अपने आप को लग रहा था कि ना मेरा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मतलब मेरा मसल मास तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा। मुझे किसी ने बताया कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवा लो, तो मैंने चेक करवाया तो वो ठीक था पूरा। अच्छा, कितना लेवल आया था आपका? सर उस टाइम मेरे पर 450 था। परफेक्ट, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ जी। उसके बाद फिर मेरा मतलब धीरे धीरे सारा कुछ ठीक होने लग गया, स्टार्ट किया मतलब जिम सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्लैनबुट्रोल यूज़ की, पर वो हाँ जी, तो पर वो उसने भी इतना नहीं ठीक किया क्योंकि बिल्कुल भी नहीं काम हो रहा था। तो ना फिर मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि थोड़े से सर अमन एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है बस क्लैन ले लेंगे, फैट कम हो जाएगा, एब्स आ जाएंगे। हाँ ऐसा कभी नहीं, ऐसा होता भाई कि नहीं होता आप बताओ? नहीं सर, नहीं होता ना, नहीं होता, बस यही मैं बताना चाह रहा था, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो सर उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर मैंने क्लैन यूज की, उससे बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने ना उससे पहले मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन की कि ना मेरा 140 kg वेट था, उससे मैंने ड्रॉप किया सिर्फ डाइट से, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट पर कुछ भी नहीं पता था। काफी वेट लूज हो गया, मैं 70 पर पहुंच गया क्योंकि मेरी डाइट बहुत अच्छी की थी। फिर ना मैंने नेट से पढ़ा कि ना डेना बोल चला के देखो, तो क्योंकि वो अपर बॉडी की कर देगी, तो मेरे
तीन हफ्ते का मैंने चलाई और उसका रिजल्ट बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। क्या क्या रिजल्ट दिखा आपको? सर वैसे तो मैं मतलब एकदम से मैं फूल गया था। अच्छा। उसके बाद मेरे बैक पे एक्ने हो गए। अच्छा। क्योंकि मुझे मेन ये था कि मैं मॉडलिंग की साइड था ना, तो मुझे ये था कि मेरे फेस से और ब्लैक बैक पूरी क्लियर होनी चाहिए, पर मैंने एक बार शीशे में देखा तो पूरी मतलब गंदी हुई पड़ी थी, तो मैंने वो बंद ही कर दी सर। उसके बाद मेरे फिर मुझे थोड़ी थोड़ी दिनों बाद ना मतलब पेन होनी स्टार्ट होगी, मुझे यूरिन में प्रॉब्लम आने लगी, मतलब अगर जाता रहा वॉशरूम तो आता नहीं था। ये आपको उस दिन के बाद हुई जब टेस्टिकल में पेन शुरू हुआ कि उसके पहले हुई? नहीं नहीं सर, ये बहुत मतलब 2 साल पुरानी उससे बाद हुई है प्रॉब्लम। मैं 2 साल तक पूरा ठीक था मैं। हाँ हाँ जी। उसके बाद मतलब ऑपरेशन हुआ, 2 साल बाद ये प्रॉब्लम आई कि अच्छा, मतलब अच्छा वॉशरूम में आता। अच्छा मतलब आप डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन कर दिया टेस्टिकल का, उसने कहा कि अब आप ठीक हो गए? हाँ जी। हैं? उसके बाद सर पूरा ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। आपको आपको कोई पेन नहीं हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ? नहीं सर। हाँ जी नॉर्मल, जो कहते हैं ना मैं जिम करा सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्लेन लिया, उसके बाद फिर आपने डायनामोल लिया, देन यू आ, हाँ, फिर आगे बताइए। ठीक है ठीक है, अब समझ में आ रहा। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। ठीक है। तो उसके बाद डायनामोल चलाने के बाद मेरी प्रॉब्लम आई कि एक्ने हो गया है ना मेरा, मतलब पूरा मतलब मोटा सा लगने लग गया, जो कहते हैं ना फूल जाते हैं, वो हो गया मैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बंद ही कर दी, तो मुझे वॉशरूम की प्रॉब्लम आने लगी, मैं यूरिन पास नहीं उठ रहा था। उसके बाद मैंने ना मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि शायद हर्निया हो सकता है शायद। अच्छा, पक्का है ना? तो हम डॉक्टर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहाँ, उनके पास गए तो उन्होंने MRI करवाया। ठीक है। पर पहले तो उन्होंने कहा कि आपका तो एक टेस्टिकल भी नहीं है, टेस्टिकल ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपका टेस्टिकल नहीं है? हाँ जी, लेफ्ट साइड का। क्योंकि और प्रॉब्लम भी आपको, और प्रॉब्लम भी आपको लेफ्ट साइड में ही हुई थी? हाँ जी सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पर तो हम शॉक हो गए पूरा, कि मतलब मुझे फिर ना उन्होंने लिखा कि आप MRI करवा लो, फुल बॉडी का पता लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है अमन, जो आपने 2 साल पहले ऑपरेशन कराया था जब आपको स्क्वाट मारते हुए दिक्कत हुई थी, उस समय डॉक्टर ने आपका टेस्टिकल निकाल दिया था? नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहे थे कि ना जो टेस्टिकल होता है ना, हाँ, वो या तो पेट में चले जाते हैं, कोई ऐसे मतलब डॉक्टर की लाइन में ऐसे ही कह रहे थे कि या तो पेट में चले जाएगा या थोड़े से अपर मतलब जाएगा, ऊपर चला गया, डिसलोकेट हो जाता है, जैसे बोलते ना कि चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए हैं, या शायद ऊपर चल गया, ऊपर चढ़ गया, बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, अपनी प्लेस से हट गया। हाँ जी। तो फिर ना मैंने MRI करवाया, MRI के रिजल्ट आए, उन्होंने पहले तो कहा कि आपके टेस्टिकल श्रिंक हो गया पूरा, मतलब 0 पे बराबर ही है। अच्छा अच्छा। कि मतलब एक टेस्टिकल ही आया। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने, चलो कोई नहीं, उसके बाद हर्निया का सर्जरी हुई, तो उसके बाद मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया, मतलब 15 दिनों बाद आपकी मतलब पोस्ट डाली थी ना। हाँ। तो उसके बाद, हाँ जी, तो फिर ना मैंने उससे पहले एक डॉक्टर से बात की जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी पहले। हाँ। टेस्टिकल्स 2 साल पहले। तो हमने उनसे, हाँ जी, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसे केस में हो जाता है कि ना अगर हम मतलब, क्योंकि ये ऐसा केस था कि ना सर अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ही हम तो हॉस्पिटल में पहुँच के सर्जरी हो जाती तो हम बच सकते थे, मतलब दोनों टेस्टिकल में, एक टेस्टिकल बच सकता था, पर ऐसा हुआ कि 24 घंटे तो एक ही दिन, जिस दिन पेन हुई, जिस दिन चोट लगी उस दिन तो हमने मतलब किया ही नहीं कुछ भी, 2 दिन बाद हम गए थे हॉस्पिटल। चलो फिर मतलब सर ने, उन्होंने कहा कि ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब बिल्कुल ही, फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने प्रोफेशनली ये करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका, मतलब थोड़े टाइम के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा साइकिल के बाद, अगर आपने कुछ किया उसके बाद आपका फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, और आपको यही बेनिफिट है कि ना आपके डबल मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, बिकॉज जितना दोनों मिल के काम करते थे अब एक नहीं है, तो जो बचा हुआ उसको डबल काम करना पड़ेगा नॉर्मल नॉर्मल हार्मोन लेवल मेंटेन करने के लिए। तो अभी अभी अमन आपको नॉर्मली जिम करते हो, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, मुझे ये प्रॉब्लम है कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा मतलब लोअर बॉडी बहुत ज्यादा है, मतलब जो कहते हैं ना हिप्स और मतलब लोअर बॉडी में ज्यादा है विड्थ में, तो अपर बॉडी मेरी ऐसी छोटी लगती है। अच्छा अमन, थोड़ा अपने बारे में बताओ, अभी क्या कर रहे हो आप? सर अभी मैं +2 कर रहा हूँ आर्ट्स, और उसके मतलब साथ ही साथ मैं एक्टिंग का स्टूडेंट। अरे वो एक्टिंग भी करते हो आप? हाँ जी सर, मॉडलिंग। वेरी नाइस। सो अमन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, प्लस मैं लोगों को ये बता दूं कि अमन यार ये भी बताओ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आप सबके सामने आके अपनी स्टोरी शेयर, बिकॉज बहुत लोग शायद ये अगर उनके साथ घटित हो जाए तो वो शेयर ना कर पाए,
वो एम्बेरस हो जाते हैं, उनको थोड़ी शर्म आती है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, बट आपने इतना ब्रेव स्टेप लेने की कैसे सोची? सर मैंने मतलब यही सोचा कि अगर ये मुझे प्रॉब्लम हो तो गई है, इसका मतलब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जिम लगाते हुए आते हैं, बॉडी पोस्चर गलत होते हुए या फिर वेट ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर मैं आप ये बताऊंगा एटलीस्ट कोई तो देखेगा ये, पर किसी को तो पता चलेगा ही, अगर मतलब कहेंगे ना कि चलो ये ऐसा है ऐसा है, किसी को कोई तो अपने अंदर लेगा कि हाँ आगे से मैं ध्यान रखूंगा ये चीज़ करने के लिए। ब्रेव होके कह सकते हैं कि मेरा नहीं है, मतलब टेस्टिकल नहीं है। क्या होता ना अमन की बहुत लोगों को प्रॉब्लम है तो वो ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने में शर्माते हैं। हाँ जी सर, इवन अगर वो छोटे हैं तो पेरेंट्स को बताने में शर्माएंगे कि अरे मैं कैसे बताऊं, शर्म आ रही है, तो उस शर्म के चक्कर में प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। आप तो ऐसा लगता है कि क्या सोचेंगे यार, करेक्ट करेक्ट, मतलब लड़के पहले घर वाले नहीं कुछ बोलते, बाहर के बोलते हैं कि यार तुझे ये हो गया, अब तेरे बच्चे नहीं हो गए, तेरे ये नहीं हो गया, तेरे वो नहीं हो गया, ऐसे करते हैं। मतलब क्योंकि हमारे मतलब यहाँ पर ऐसे हैं सर कि अगर बंदा जिम लग जाए ना और प्रोटीन भी लेने लग जाए, वो ऐसे कहेंगे यार तेरा बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा ऐसा। वो तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं खुल के बोल सकता हूँ ना कि हाँ मैंने ये हुआ है मेरे साथ, किसी को तो गाइडेंस मिलेगी ना, वो कहेंगे कि हाँ चलो अगर मेरे साथ हो भी गया तो मैं अब इससे मतलब अच्छी तरह इसका ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो जाऊँ, फिर मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अमन मेरे को तो आपको यार सही बताऊँ ना, मेरे को आपको सैल्यूट करने का मन कर रहा है, सो हैट्स ऑफ टू यू। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, बट फिर भी जो आप प्लस टू में हैं, आप ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, आप टीनेजर ही हैं, उस एज में इतना मेंटल मैच्योरिटी, सो यार हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। सो अमन थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, आई होप आपकी स्टोरी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, एंड वंस अगेन थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आप बहुत तरक्की करें मॉडलिंग में, फिटनेस में, और एक दिन आपको हम बड़ी स्क्रीन पर देखें आशा करते हैं। हाँ जी सर, चलो, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, सी यू, बाय बाय।